हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। मैं आदिल आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 220 वोल्ट एसी के थ्रू एक वॉल क्लॉक को हम रन करेंगे 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर को यूज करते हुए। अब ये चार्जर 5 वोल्ट का है तो फ्रेंड्स इसको 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा सर्किट हम बनाएंगे और ये सर्किट आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स और वीडियो काफी नॉलेजेबल है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के आल पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक LM317, एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, और इस आईसी के साथ दोस्तों आपको किसी किस्म का पोटेंशियोमीटर या प्रीसेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किट के आउटपुट में हमें 1.5 वोल्ट डीसी मिलेंगे जो कि एक क्लॉक को रन करने के लिए होंगे। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक 470 ओम की एक रेजिस्टेंस ली है क्वार्टर वाट में। उसके बाद हमें चाहिए एक 100 ओम का रेजिस्टर और ये भी हमने क्वार्टर वाट में लिया है, आप किसी भी वाट में ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एक 470 UF 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर। अब फ्रेंड्स इस आईसी की जो लेग्स हैं उसको हम मोड़ के कुछ इस तरह से बना लेंगे। अब फ्रेंड्स जो हमने LM317 IC लिया था उसकी मिडल लेग के पास यहाँ पे 470 ओम का रेजिस्टर, उसकी एक लेग को यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। इस रेजिस्टर की जो दूसरी साइड है फ्रेंड्स उसको यहाँ पे इस IC की जो फर्स्ट वाली लेग देख रहे हो आप, तो यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और मैं इस पॉइंट को भी सोल्डर कर देता हूँ। अब फ्रेंड जो हमने 100 ओम का एक रजिस्टर लिया था क्वार्टर वाट में, तो इसी आईसी की फर्स्ट लेग के साथ इसको भी सोल्डर कर देंगे। फ्रेंड्स इस आईसी के साथ हमें हीट सिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो हमने 470 UF 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लिया था, तो कैपेसिटर की जो नेगेटिव साइड है उसको हम 100 ओम के रजिस्टर की दूसरी साइड पे और जो उसकी पॉजिटिव साइड है उसको हम यहाँ पे मिडल लेग के पास में सोल्डर कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक पुराना सा मोबाइल फ़ोन चार्जर ले लिया है और इसकी वायर्स को मैंने यहाँ से पील कर लिया था और मैं इसके वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं 5.5 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। अब इस चार्जर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को इस सर्किट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। तो ये देख सकते हो इस वाली लेग के ऊपर हम पॉजिटिव वाली वायर को लगाएंगे, यानी कि जो हमारा रेड वायर है। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्डर भी कर देता हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो। तो हमारे जो चार्जर या अडाप्टर का जो पॉजिटिव वाला साइड था वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और इस अडाप्टर की जो नेगेटिव वाली वायर है उसको यहाँ पे हम कैपेसिटर की इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे इनपुट के लिए तो हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आउटपुट के लिए यहाँ पे दो वायर्स मैंने ली हैं, ब्लैक और रेड वायर। तो रेड वाली पॉजिटिव के लिए है, ब्लैक नेगेटिव के लिए है। तो यहाँ पे इस सर्किट की जो कैपेसिटर हमने लगाया था तो वहाँ पे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे ये दोनों वायर्स को लगा देंगे। तो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है आउटपुट के लिए पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव के लिए। तो देखो मैंने दोनों वायर्स को कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स सर्किट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इस सर्किट को हमने वॉल क्लॉक के साथ कनेक्ट करना है, तो उससे पहले मैं इसके जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको 220 वोल्ट एसी में मैंने प्लग इन कर दिया है इस अडाप्टर को, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनपुट की साइड है वहाँ पे आप देख सकते हो कितने वोल्टेज हैं और इसके आउटपुट में कितने आ रहे हैं। तो देखो इनपुट में 5.5 वोल्ट, वही जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और यहाँ पे इसके जो आउटपुट हैं वहाँ पे हमें कितने वोल्टेज देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मल्टीमीटर से आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 1.5 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहे हैं डीसी के। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सर्किट को अब हम वॉल क्लॉक के साथ कनेक्ट करेंगे। जो आउटपुट की दोनों वायर्स थी वो बिल्कुल बैटरी की साइड पे लग जाएंगी, जैसे कि आप देख रहे हो बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव के लिए है और ये वाला नेगेटिव के लिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट की दोनों वायर्स को यहाँ पे क्लॉक की जो बैटरी टर्मिनल्स हैं वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और अब हम अपने जो अडाप्टर है उसको 220 वोल्ट एसी में प्लग इन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या ये वॉल क्लॉक यहाँ पे रन कर रही है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स सक्सेसफुली जो हमारी वॉल क्लॉक है बिल्कुल यहाँ पे रन कर रही है। मैंने फिर फिलहाल एसी की सप्लाई को कट कर दिया है और जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो दोबारा से हमारी क्लॉक रन करना स्टार्ट कर देती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप 220 वोल्ट एसी से किसी भी क्लॉक को रन कर सकते हैं किसी भी 5 वोल्ट अडाप्टर या मोबाइल फोन चार्जर के थ्रू। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।